अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिकल नंबर 7। इसमें हमने करना है ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। आप पता है क्या काम करें, HTML ऑन करके ना यहाँ पे हेड टैग मेंशन कर दें, बेशक उसमें कुछ लिखें या ना लिखें। एक तो उसका फायदा ये है कि पता लग जाएगा आपको हेड टैग यूज करना आता है, दूसरा ये है कि एक तरह से दो सेक्शन होते हैं, दोनों के दोनों मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, हेड टैग में कुछ नहीं लिखना। बॉडी टैग के अंदर मैंने सेंटर को ऑलरेडी ऑन कर दिया है, सेंटर, क्योंकि मुझे आई नीड एवरीथिंग इन सेंटर। अच्छा, अगर सेंटर नहीं करना तो आप इसको बंद कर दें, क्योंकि लिस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता कि सेंटर में तैरती हुई नजर आ रही हो। इसको हम करेंगे लेफ्ट अलाइंड। ओके, अच्छा जी, अब हमने यूज करना है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। एज यू नो कि हमारे पास कौन सा टैग यूज होता है, UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अच्छा, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इससे पहले अगर आप कुछ टेक्स्ट देना चाह रहे हैं कि हम बता दें कि यहाँ पे ये क्या चीज स्टार्ट हो रही है, तो वो भी आप कर सकते हो। हेडिंग 1 या हेडिंग 2 में लिख लें, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा लगता है अगर आपकी आउटपुट जो है ना वो प्रॉपरली कैप्शन हुई हो, तो उससे बड़ा अच्छा सा इमेज आता है प्रैक्टिकल के अंदर, जो चेक करने वाला होता है ना उसको भी पता लग जाता है। अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट कर, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको पता है कि आपने क्या करना होता है, लिस्ट आइटम देने होते हैं। इसमें आप सबसे पहले अपना लिखेंगे फेवरेट सब्जेक्ट, और वो है कंप्यूटर, और उसके बाद हम लिखेंगे अपना सबसे बुरा सब्जेक्ट जो हमें लगता है वो है क्या, मैथ्स। अच्छा जी, और इसके बाद हम लिखेंगे, चाहे तो आप दुश्मनों का सब्जेक्ट लिख लें बायो, नहीं लिखना तो आप ऐसे करें कोई ऐसा सब्जेक्ट लिख लें जो सबका ही पसंद हो, सबको इंग्लिश लिख लेते हैं। चलें जी, ये हमने तीन सब्जेक्ट्स के नेम्स लिख लिए। यहाँ पे लिस्ट आइटम ऑफ करते हैं, यहाँ पे आपकी जो ये वाली लिस्ट है इसको भी क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे इसको टैग के साथ। अब मैं ये पूरी जो आपकी हेडिंग 1 से लेके या अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए लिखना आसान हो। सेम इसी चीज को कॉपी करेंगे फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, ये लें जी Ctrl V। अब जो हमारी ये सेकंड वाली है, इसको आप क्या करो, UL को चेंज करके OL कर लो, ऑर्डर्ड लिस्ट, और नीचे यहाँ पे कर लो इसको ऑर्डर्ड लिस्ट। और एक चेंज आपने और करना है, यहाँ जो हेडिंग दी हुई आपने इसको भी आप कर लें ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, O कैपिटल कर लें, यहाँ पे U कैपिटल कर लें। अब देखते हैं जी हम इसकी आउटपुट क्या आती है। अच्छा, अनऑर्डर्ड दिस इज हटाना है तो हटा भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट की बजाय अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, इतना इनफ है। चलें इसको करते हैं हम सेव, और चल के लेते हैं इसकी आउटपुट, रिफ्रेश करें अपने पेज को। तो एज यू सी, मैं आपको जूम इन करके बता देती हूँ, ये देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट, कंप्यूटर मैथ इंग्लिश, ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 4, 1 2 3 के साथ कंप्यूटर मैथ्स इंग्लिश, ठीक है, ईजी थी। आपने पहले लिस्ट सीखी हुई है तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। आप इसको हेडिंग को 2 या 3 में ले जाओगे तो वो थोड़ी करीब हो जाएगी उसके, मतलब H1 इज अ वेरी बिग हेडिंग, तो आप उसको H2 या H3 भी कर सकते हैं। इसकी जो कोडिंग है, इसका जो HTML पेज है, वेब पेज है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले लें।